राम राम। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह सुबह मावा निकलने की तैयारी हो रही है क्योंकि सिस्टर को लेने जाना है, तो फिर लड्डू बनेंगे। अभी भाई दोबारा खेत में जा रहा हूँ और ये देखो ये सामान है, ये तीन रखे हैं, ये बोरिंग का सामान है क्योंकि बोरिंग में जरूरत पड़ेगी, और ये खाना लेके जा रहा हूँ अभी अभी खेत में। अभी खेत में चलते हैं सभी। हेलो दोस्तों, भैया आ चुके हैं अभी यमुना नदी के पास। ये बाइक खड़ी है अपनी और ये खाना रखा है जो अभी खेत में ले जाएंगे, और ये ठीक है। अरे इंगा भैया, जो ठेकेदार बैठा मैन उसे देख लो, हमें तो कम देखो पर उन्हें ज्यादा देखो। ये नाव खड़ी है भाई, ये रही नाव, इस नाव पे बैठ के जाएंगे आज। ये लो भाई, हमारी नाव चल चुकी है, अब हम दूसरी तरफ जाएंगे। ये लो भाई, नाव से उतर चुके हैं। अब नाव से उतरने के बाद खेत में जा रहे हैं। ये अपने हाथ में खाना रखा है, अब चल रहे हैं खेत में। ये ईख है भाई, जिसको भी नहीं पता है, जैसे आजकल के शहर के बच्चे हैं उसको नहीं पता होता, ये ईख वो है जो आप गन्ने का जूस पीते हो तो वो पहले छोटा ऐसा होता है, फिर बड़े होने के बाद वो गन्ना बनता है। और ये गेहूं है, ये जिसकी आप रोटियां खाते हो वो ये है। अभी कम से कम इसको एक महीना और लगेगा पकने में पूरी तरह, फिर पकने के बाद ये कटेगा। अभी खेत के पास आ चुका हूँ भाई। ये भाई सरसम की कटाई हो रही है, जो आप घर में तेल यूज करते हो सरसम का, अभी वो सूख के कट चुकी है। मशीन आएगी, मशीन सरसम निकालेगी। अभी खेत में आ चुका हूँ भाई खाना लेके। ये देसी जुगाड़ है, इस देसी जुगाड़ से बोरिंग हो रहा है। ये ताऊ हाथ से ही तार ऊपर नीचे कर रहा है, इसमें कोई मशीन नहीं लगती, बस इसमें एक छोटी सी मशीन लगती है, वो भी तार खोलने के लिए और लपेटने के लिए, जो पीछे रखी हुई है मशीन, वो भी अब दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब देखना, ये है वो मशीन। ये देखो भाई, ये हम बोरिंग खोल रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। अरे खोल कर ये बगल में रखा है अभी अभी। अब जो पंखा होता है पंखे को खोलेंगे और उसको यहाँ से निकाल के अलग रखेंगे यहाँ से। ये देखो भाई खेत कितना अच्छा है, खेत का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। मौसम बड़ा खराब हो चुका है, आज बारिश होने का खतरा है, जो बारिश होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी अभी भाई ये गड्ढा खोदा है, फिर गड्ढा चौड़ा किया है, और अब सभी मिलकर खाना खा रहे हैं बैठकर, जो मैं खाना लाया था। लो भाई अब घर पे जा रहे हैं, खाना दे दिया, थोड़ा बहुत काम करवाया है और अपने घर पे चल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बिजली नहीं है इसलिए इंजन से पानी चल रहा है। वो देखो ये झोपड़ी है, क्योंकि अगर बारिश आती है तो इस झोपड़ी में बैठ जाते हैं। और पीछे यमुना नदी है, आप सभी को दिख रही होगी। और बताओ आपको नज़ारा कैसा लगा यहाँ का। ये लो भाई नाव वाला भी आ चुका है, नाव पर बैठकर घर चलेंगे। ये लो भाई घर आ चुका हूँ, अब थोड़ी मस्ती हो जाए। ये भाई डक्स की क्यूटी पाई है। मेरा झोटा मेरा झोटा ला भाई, डक्स और मैं कट्ठे हो लिए भाई। जो डक्स की क्यूटी देना वो धोखा देगा, बाकी बेवफा लिकड़ी वा, बेवफा बेवफा।